सो रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, एंड सब लोग सो रहे हैं। अभी गर्मा गर्म चाय मिलेगा हमें स्टेशन पे, आई थिंक। ओ माय गॉड, बीएनडीएम सेट का। चलो भाई, जैसा कि हमने सोचा था कि यहाँ से हमारा जो कौन सा ट्रेन था, ये 226 226 55 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यहाँ पे वेब 7 के साथ यहाँ से डिपार्ट करते हुए। सो काफ़ी बढ़िया जर्नी है गाइस। ओके, सो हेलो आई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेलवर्क्स इन माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग अपना खुद का बनाया हुआ एक सिनेरियो खेलेंगे, जो केरला V1 रूट पे बना हुआ है, जो हमारे मोहम्मद सबाद भाई का रूट है उस रूट पे बना हुआ है। एंड इस रूट काफ़ी सारे चर्चे में ये रूट आ चुका है कि कितना बढ़िया रूट है, ऑप्टिमाइज रूट है, इट्स अ ग्रेट रूट एंड यू मस्ट ट्राई इट। सो आज हम लोग एल्को से जर्नी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये एल्को यहाँ पे अकेले क्यों खड़ा हुआ है। लेकिन भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एल्को यहाँ पे इसीलिए खड़ा हुआ है बिकॉज हमें सिग्नल नहीं मिला है सामने, आप लोग देख पा रहे हो। और पीछे से हमें कोई सेंटर ट्रेन, जिसका हेडलाइट शायद हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई सेंटर लोको हमारा जो एर्नाकुलम पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका हम लोग जर्नी करने वाला है, उसके रेक्स को लेके एर्नाकुलम स्टेशन तक जा रहा है गाइस। क्योंकि ये ट्रेन यहीं से स्टार्टिंग होता है, तो इसीलिए हमें आउटर पे खड़ा रखा गया हमारे एल्को को, और हमें बोला गया कि जब तक आपको सिग्नल ना मिले तब तक आप इंजन स्टार्ट कर लो और फिर रेडी रहो। तो हम लोग चलेंगे कैब पे गाइस। तो चलिए, हम लोग कैब पे आ गए, यहाँ पे यू कैन सी दिस। और हम लोग इस साइड पे जाएंगे बिकॉज हम लोग ये रिवर्स पोजीशन पे सेट करेंगे और हमारे हेडलाइट को कर देंगे ऑन। यू कैन सी द हेडलाइट इज टर्न्ड ऑन नाउ, हेडलाइट हमारा ऑन हो गया। और जब तक हमारा सेंटर लोको हमारे कोचेस को लेके ना आए, तब तक हम लोग हमारा रिवर्सर को एंड ब्रेक्स को कर लेते हैं रिलीज़, ताकि हम लोगों को जब भी सिग्नल मिले तब भी यहाँ पर से हम लोग डिपार्ट कर सके। तो ये सिनेरियो मेरा है गाइस, एंड मैं हमेशा सिनेरियो में कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लोको रिवर्सर डालने का या फिर कुछ भी चीज़ें डालने की कोशिश, जिससे प्लेयर्स को थोड़ा सा यूनिक फील हो, जस्ट लाइक माई नेम बाय द वे। एंड इस ट्रेन को हम लोग आज एर्नाकुलम से सोरानूर होते हुए कोचिकोडे या फिर कालीकट आप बोल सकते हो, वहाँ तक लेके जाएंगे। लेट्स सी, ये पार्ट वन में हम लोग इसका जर्नी कितने दूर तक कर सकते हैं, एंड लेट्स होप आज हमारा जर्नी काफ़ी बढ़िया होने वाला है गाइस। और मुझे लगता है कि हमारा जो सेंटर लोकोमोटिव है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस ट्रेन का नाम मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ, एर्नाकुलम पुणे सेंटर लोको, मतलब ये आई थिंक WAG 7, यस WAG 7 हमारा सेंटर लोको यहाँ पे हमारा जो कोचेस है उसको लेके आ रहा है। सो दैट्स ब्यूटीफुल, लेट्स वेट जब तक ये पास ना हो जाए। वेरी गुड, लेट द ट्रेन टू बी पास्ट। चलो गाइस, तो जैसे एक लोको पायलट का ड्यूटी होता है भाई लोग के, आपको आउटर पे खड़े रहना है, फिर एर्नाकुलम जंक्शन पे ट्रेन आएगा, कोचेस आएगा, उसको जो सेंटर लोको है उसको डिकपल करके आगे निकल जाएगा, और आपको उस लोको को कपल करके आगे की तरफ ले जाना है। और वैसे ही हमने इस एक्ट को या फिर सिनेरियो जो भी आप बोलो, इस सिनेरियो को बनाने की कोशिश किया है मैंने, एंड बहुत सारे एफर्ट्स डाल के, बिकॉज सिनेरियो मेकिंग इन रेलवर्क्स इज़ नॉट सो ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। सो लेट्स सी, और ये हमारा लास्ट स्पेशलर कोचेस है। सो चलिए, ये ट्रेन निकल गया आगे की तरफ, और अभी हमें सिग्नल की वेट करना चाहिए। सो लेट्स वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन या फिर योलो, सॉरी सिग्नल। तो चलो भाई लोग, यहाँ पे सिग्नल आप लोग देख रहे हो रेड से योलो हो गया, इसका मतलब हमें मिल गया है परमिशन स्टेशन पे एंटर करने का, और हमें बोला जाए रोको रिवर्सल पॉइंट पे जाने के लिए, जहाँ से हम लोग रिवर्स आके कोचेस के साथ कपलिंग करेंगे। सो लेट्स डिपार्ट हियर। लेकिन ध्यान में रखना है कि हमें बिल्कुल भी 20 किलोमीटर पर आवर के ऊपर स्पीड को नहीं लेके जाना है, जब तक हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन ना मिले। ऐसा हमने ऑर्डर हमें मिला है, जो कि मैंने ही ऑर्डर दिया, लेकिन आप लोग जब खेलोगे इसको तो आपको ध्यान में रखना है कि जब तक आपको 20 किलोमीटर इंस्ट्रक्शन ना मिले, तब तक आपको अंडर 20 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को मेंटेन करना है। सो यहाँ पे आप लोग स्पीड इंडिकेटर देख सकते हो, या इट्स गुड एंड लेट्स गो। एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल लोकोमोटिव गाइस, दिस इज आवर ब्यूटीफुल लोकोमोटिव, यू कैन सी दिस। वाओ, तो चलिए गाइस, हम लोग 20 के ऊपर नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। सो स्पीडिंग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे, चाहे 30 का स्पीड लिमिट ही क्यों ना मिल जाए हमें। और दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल एल्को, यू कैन सी दिस। और ये एर्नाकुलम जॉनसन का आउटर है, वाओ ब्यूटीफुल।
एंड यहाँ पे काफ़ी घर वार, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग लाइट्स ऑन है बिकॉज सुबह हो चुकी है, तो लोग अभी उठेंगे, रेडी होएंगे, बिकॉज 6 बजे तो भाई सब लोग, बहुत लोग उठ जाते हैं, हम नहीं उठते बेसिकली, लेकिन भाई बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे पेरेंट्स भी उठ जाते होंगे। सो भाई काफ़ी रियलिस्टिक है कि लाइट्स जल रहे घर का, एंड यहाँ पे ब्रिज भी किया गया है। आई थिंक गाइज ये रूल रूट अगर रियल, आई थिंक रियल रूट कोई रेप्लिकेट करता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सच में कोई ऐसा एर्नाकुलम आउटर पे, मतलब ब्रिज के नीचे से एर्नाकुलम जंक्शन पे एंटर करना पड़ेगा। और ये देखो गाइज एर्नाकुलम जंक्शन 8 लाइन से हम लोग जाएंगे, मतलब प्लेटफॉर्म पे हमारा कोचेस ऑलरेडी है, तो हम लोग 8 लाइन से जाएंगे। सो ब्यूटीफुल सीनरीज हेयर एंड लेट्स चेक इट आउट हेयर, आप यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और इसका हॉर्न काफ़ी बढ़िया है भाई लोग, काफ़ी बढ़िया है। चलिए गर्मी का माहौल है तो इसलिए हम लोग इधर जान विंडोज़ खोल देंगे, एंड यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी विंडोज़ खोल देंगे। ये आप ब्यूटीफुल, सो लेट्स गो, देख लो गाइस क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, यू कैन सी दिस। और ये रहा हमारा एर्नाकुलम पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कोचेज, जिसको हमें ये लोको रिवर्सल करके कार्ड करना है भाई लोग। सो वाओ बढ़िया नज़ारा है। और इस साइड का नज़ारा भी आप लोग देख लो, यहाँ पे कोई BTPN फ्रेट ट्रेन यहाँ पे खड़ा है, और उस साइड कोई LHB एक्सप्रेस खड़ा है गाइस, तो दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ नाइस, एब्सोल्युटली फाइन। सो चलिए हम लोग लोको रिवर्सल पॉइंट तक जाते हैं और रिवर्स करके यहाँ पे लेके आएंगे। सो लेट्स जंप टू दैट सेक्शन गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये लोको रिवर्सल पॉइंट पे आ चुका है, और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, गुड नाउ सेट योर रिवर्सर टू फॉरवर्ड एंड गो टू ERS Platform 1 टू कपल योर कोचेस, एंड व्हाइल कपलिंग द कोच मेंटेन स्पीड एट 4 किलोमीटर पर आवर और लेस, पैसेंजर सेफली सेफ्टी इज मैंडेटरी। सो चलिए गाइस इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, और हम लोग अभी पीछे की तरफ लेंगे, तो हम लोग एक हॉर्न बजाएंगे और हम लोग थोड़ा सा थ्रॉटल को इंक्रीज़ करेंगे। और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एर्नाकुलम जंक्शन Platform 1 का मार्कर आ गया है, तो हमें पीछे की तरफ जाके हमारे कोचेस को कपल करना पड़ेगा। सो कोचेस को कपल करने के लिए हम लोग पैसेंजर्स व्यू पे, सॉरी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे हमारे कैमरा को लेके। सो ये कैमरे को लेके हम लोग पहुंच गए हमारे प्लेटफॉर्म व्यूज़ पे, और ये हमारे कोचेस है गाइज, ये हमारे कोचेस यहाँ पे रहा, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से हमारा कोच लोको आएंगे, एल्को आएंगे। सो लेट्स वेट टू एल्को, लेट्स वेट फॉर द एल्को टू कम। ओके, और यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ा है गाइज, मुझे को लग रहा है यस, एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2222655 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी यहाँ पे खड़ी है WAP 7 के साथ, सो दैट इज़ गुड। सो ये हमारे ब्यूटीफुल गाइज, तो वी आर अबाउट टू कपल द कोचेस, एंड यहाँ पे कोचेस कपल हो रहा है, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल। हम लोग स्पीड को ऐसे ही रखेंगे, नाइस। WDM 3D रोड नंबर 11568 BNDM सेट का, चलो हेलो, यस गाइस कपलिंग इज डन। हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कपलिंग बटन को क्लिक करेंगे। सो ये हमारा कपलिंग हो गया डन गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पैसेंजर्स पिकअप के लिए वेट करेंगे, और ये हमारे लोको है, और फाइनली हमने हमारा जो कोचेस है उसके साथ कपलिंग यहाँ पे कर लिया है। सो लेट्स वेट फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शन गाइस, और यहाँ पे हमें निकलना है आई थिंक 32 में, तो लगभग 8 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं उस सेक्शन पे काट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ से आप लोगों को डिपार्चर मुझे दिखाना है, लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले हमारा ये जो 22655 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसे डिपार्चर होगा। देखो गाइज यहाँ पे लिखा गया है कि डिपार्चर टाइम के बाद डिपार्ट करो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन वो करो, बिकॉज मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 110, तो डिपार्चर टाइम के बाद हमें डिपार्ट करना है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है गाइस। तो लेट्स हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और यहाँ पे वेट करेंगे, बिकॉज हमारे डिपार्चर टाइम काफ़ी देरी है। सो जब ये ट्रेन डिपार्ट करेगा उस सेक्शन पे हम लोग स्किप कर लेते गाइस, सो लेट्स डू दैट।
सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक सिग्नल नहीं मिला और ये ट्रेन भी अभी तक यहाँ से निकला नहीं है, तो इसके बाद हमें सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पे एक फ्राइट ट्रेन हमारा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है हमें। सो काफ़ी सारा AI ट्रेन का इम्प्लीमेंट किया गया है इस सिनेरियो पे। सो लेट्स सी कब हमें सिग्नल मिलता है और कब ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करता है गाइस। यहाँ से हमारा जो कौन सा ट्रेन था, ये 226-226-55 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे WAF-7 के साथ यहाँ से डिपार्ट करते हुए। सो काफ़ी बढ़िया जर्नी है गाइस, और ये ट्रेन हमें डिपार्ट करते हुए चले गए। सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये, और ये LHB के साथ जा रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेन का पूरा डिपार्ट होने का, उसके बाद हमें सिग्नल मिलेगा गाइस। सो एब्सोल्युटली स्टनिंग मॉर्निंग ट्रैफिक है, और आप लोगों को बहुत धीरज से खेलना होगा और हमें भी थोड़ा सा पेशेंस रख के खेलना होगा, बिकॉज लोको पायलट जॉब ऐसा ही होता है गाइस। आपको आए आओ और स्टेशन से आपको सिग्नल मिल जाएगा, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे सीनेरियोज एंड एक्ट्स में ऐसा होता है रिलॉक्स पे, कि भाई ट्रेन को चलाते रहो, मतलब कहीं पे रुकना नहीं है, मतलब स्टेशन पे रुको एंड वेट करो 2-3 मिनट और फिर चला रहते रहो, और बीच बीच में एक क्रॉसिंग्स डालते, तो भाई ऐसे लोको पायलट की ड्यूटी नहीं होते। थोड़ा सा रियलिस्टिक जर्नी दिखाने के लिए मैंने बहुत मेहनत से इतने सारे एक्ट प्रॉपर टाइमिंग के साथ एंड सिग्नल को मद्देनजर रखते हुए ये सब सीनेरियो बनाया है, तो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दैट। एंड ये देखो गाइस क्या चमक रहा है, हमारे एल्को का लाइट यहाँ पे जाके पड़ रहा है, और ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सा शेडो बिल्डअप हुआ है, और लाइट में क्या ही चमक रहा है हमारे LHB कोचेस गाइस। तो चलिए हमारे हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस तो यहाँ से निकल गया, एंड लेट्स सी गाइस, लेट्स सी ब्यूटीफुल इज इट गाइस। और यहाँ पे एक बार सिग्नल हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा सिग्नल का स्टेटस क्या है। यस, हमारा सिग्नल का स्टेटस रेडी है, लेकिन सिग्नल पे बिलीव नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रेलॉक्स गाइस, एंड सिग्नल काफ़ी काफ़ी ग्लिच होता है। सो हमें यहाँ पे डिपार्चर टाइम देखना है, हमें डिपार्ट करना है 32 पे। सो 32 के बाद चाहे सिग्नल रेड क्यों ना रहे, हम लोग डिपार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया कि सिग्नल को छोड़ो और डिपार्चर टाइम से पहले डिपार्ट मत करना। सो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे गाइस। सो लेट्स गो। वाओ, AC कोचेस भी है इस ट्रेन पे, काफ़ी बढ़िया। और आज का जो जर्नी हुआ गाइस, हमें थीसूर, उसके बाद सुरानूर, उसके बाद तिरूर, उसके बाद कोचिकोड, तो सिर्फ 4 ही स्टॉपेज है, लेकिन हमें 4 घंटे का जर्नी है गाइस। तो ये भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, बहुत कम स्टेशन पे रुकता है। एर्नाकुलम के बाद ये डायरेक्ट रुकेगा थीसूर पे, जो आई थिंक हमें लगभग 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स के बाद आएगा। तो पार्ट वन में तो इसको कम्प्लीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ से डिपार्ट करते हुए कितना दूर हम लोग जा सकते हैं गाइस, और उसके बाद हम लोग पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे। तो ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, और यू कैन सी दिस, देखते हैं हमारा जो डिपार्चर टाइम है 5:32, वहाँ तक हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है कि नहीं। अगर सिग्नल नहीं मिलता तो हम लोग 5:32 के बाद डिपार्ट कर जाएंगे, लेकिन लेट्स होप सिग्नल मिल जाए। अभी पता नहीं, मैं खुद सिनेरियो में करूँ, लेकिन मेरे को भी नहीं पता कि ये सिग्नल यहाँ पे मिलेगा नहीं, मिलेगा कि नहीं। कभी कभी ये सिग्नल YOLO हो जाता है, कभी कभी रेडी रहता है गाइस, तो नो टेंशन अबाउट दैट। चलिए, पे सिग्नल जो है ब्लू लाइन बनने के बाद भी यहाँ पे सिग्नल रेडी है, इसका मतलब हम डिपार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार गेम को सेव करेंगे, जो करना भी चाहिए, और यहाँ पे हम लोग क्रैश करेंगे बिकॉज ये सिग्नल ग्लिच है। ब्रेक को करते हैं रिलीज, और हम लोग फिर से रिवर्सर को डालेंगे, और हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। तो लेट्स गो, हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे डिपार्ट करेंगे। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गाइस। चलिए, और हम लोग थोड़ी देर में डोर व्यू में जाएंगे। वाओ, बाय बाय एर्नाकुलम जंक्शन, फिर मिलेंगे कभी ना कभी, बाय, टाटा बोल दो गाइस सब लोग एर्नाकुलम को टाटा। और एर्नाकुलम से अगर कोई देख रहे हो या फिर इस साइड से कोई देख रहे हो, तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को जर्नी कैसा लग रहा है। और यहाँ पे केबिन पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे पानी का बोतल भी रखा हुआ है, सो काफ़ी रियलिस्टिक है गाइस, काफ़ी रियलिस्टिक है। यहाँ पे कैब लाइट ऑन नहीं कर सकते क्या? आई थिंक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट लाइट हमने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे देखिए पहले से ही 20 स्पीड लिमिट है, तो हमें स्पीड लिमिट मेंटेन करते हुए चलना है, लेकिन हमें 110 के ऊपर जाना नहीं है, चाहे कितना भी स्पीड हमें क्यों ना मिल जाएगा, समझ लो। लेट्स गो। और यहाँ पे ब्यूटीफुल आउटर करा गया है हमारे, लोको रिवर्सल का टाइम हम लोग लोको को लेके आए थे, लेकिन अभी पूरा ट्रेन को लेके हम लोग जा रहे हैं। सो काफ़ी अंदर से एक मज़ा आ रहा है गाइस, चलो यार फाइनली हमारा डिपार्चर हो गया यहाँ से, ब्यूटीफुल। तो चलिए हम लोग डोर व्यू पे चलते हैं, जो आप लोगों को भी बहुत पसंद है, और मेरे को भी पर्सनली बहुत पसंद है डोर व्यू। AC कोचेस है, AC कोच से भी हम लोग जर्नी दिखाएंगे आप लोगों को। और ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारा डोर व्यू पे हम लोग आ गया, और यार लेट्स ब्यूटीफुल गाइस।
एब्सोल्युटली स्टनिंग। और सामने हमें 45 का स्पीड लिमिट दिख रहा है, तब तक हमें 20 का स्पीड लिमिट मेंटेन करते हुए चलना है भाई लोग। अर्ली मॉर्निंग का सीन है और यहाँ पे कोई BTPN 510 है, इसको अभी तक सिग्नल नहीं मिला। एर्नाकुलम BTPN सर्विस, जिसको अभी तक सिग्नल नहीं मिला, आई थिंक ये हमारे पीछे पीछे आएगा। लेट्स सी एंड हियर द ट्रैक साउंड गाइस। मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करूँगा कि सब लोग ईयरफोन पहन लो, ताकि आप लोग ईयरफोन से क्लियर सुनाई देगा। हेडफोन पहन लो सब लोग। ओह माय गॉड, ट्रैक साउंड एंजॉय करने के लिए तो भाई हेडफोन पहनना बहुत ज़रूरी है गाइस। हेडफोन से ही सुनो, ब्यूटीफुल गाइस। और देखो यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, बिकॉज नाइट का टाइम है, तो नाइट का जर्नी में ज़्यादातर लाइटिंग नहीं होते। सो यप, एप्स ये भी सही है। वाह, ओह माय गॉड, क्या ब्यूटीफुल नज़र आया गाइस, क्या ही ब्यूटीफुल नज़र आया। यू कैन सी दिस, 30 का स्पीड लिमिट आ चुके हैं, तो चलो हम लोग थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 30 किलोमीटर पर आवर। और ये लोको सेट को हम लोग पीछे छोड़ते हैं। और देखो गाइस, लोको सेट में यहाँ पे रैम भी किया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है गाइस, काफ़ी बढ़िया सीन है। 2D मैप में एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इस ये कौन सा साइड पे जा रहा है गाइस, ये अगर आप लोग इस रूट से बिलोंग करते हो या फिर सावध भाई रूट में कर आप अगर देख रहे हो, तो ये साइड किस तरफ जाता है वो एक बार बता देना हमें। ये साइड किस तरफ जाता है, ये तो हम लोग सुरानूर के तरह साइड जा रहे हैं। वाओ, और यहाँ पे होल्डिंग भी आप लोग देख सकते हो गाइस, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। फ्लैट 50% ऑफ गाइस। कौन सा बाजार है, कल्याण सेल्स। अच्छा, फेब्रुअरी 8 से फेब्रुअरी 12, मतलब सेल ऑफ हो गया अभी तो। चलो भाई लोग, हम लोग निकल चुके। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक साउंड। यहाँ पे देखिए गाइस, सब लोग जो दुकान, सब लोग सबका दुकान है। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बसेस भी जा रहा है, लेकिन दुकान का सब यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो मतलब किसी का भी लाइट नहीं चल रहा अभी से। और बसेस जा रहा है, लेकिन बसेस का हेडलाइट क्यों ऑफ है यार, ये कैसा बिहेवियर है। बसेस हेडलाइट, बिना हेडलाइट के बसेस कैसे जा सकता है। तो चलिए, अभी तक हमें 45 का स्पीड लिमिट मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। हम लोग थोड़ा सा लोको में जाएंगे। वाओ, एंड दिस इज आवर लोको गाइस, ब्यूटीफुल अल्को लोकोमोटिव। तो चलिए, 45 का स्पीड लिमिट मिल गया। और अगर आप लोगों को मैं रेलफेनिंग व्यू से दिखाऊँ, तो रेलफेनिंग व्यू से ऐसा नज़ारा लगता है भाई लोग। रेलफेनिंग व्यू से अगर आप लोगों को दिखाए, तो रेलफेनिंग व्यू से ऐसा नज़ारा दिखेगा। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी ऑफ अल्को गाइस। वाओ, लोग जस्ट हियर द ट्रैक साउंड गाइस। सिर्फ ट्रैक साउंड सुनो आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा भाई लोग। सिर्फ ट्रैक साउंड सुनने पे ही पैसा वसूल हो जाएगा, ऐसा सीन है। वेरी 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 नाइस। और 3 AC कंपार्टमेंट डाला है मैंने भाई। कोचेस का अंदर का लाइट भी ऑन हुआ है भाई, देखो कि कितना जबरदस्त लग रहा है। और ये हमारा लास्ट SLR कोच गाइस। रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम थ्रिसूर गाइस, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रिपोर्ट दिया गया है, सेवर लेट रनिंग ट्रेन इज इंप्लीमेंटेड टू रन इन दिस सेक्शन ओनली, सो यू मे ऑल्सो गेट ओवरटेकन बाय सम ऑफ देम। मेंटेन स्पीड अकॉर्डिंगली बट डोंट क्रॉस 100 किलोमीटर पर आवर एट एनी कॉस्ट। तो थ्रिसूर पे हमें ओवरटेक मिलने वाला है, ये तो कन्फर्म है। सो लेट्स गो। लेकिन थ्रिसूर हमारे बहुत देर, बहुत टाइम है भाई थ्रिसूर पहुँचने में। सो भाई, अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी से टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। तो लेट्स गो। 82 किलोमीटर दूर है थ्रिसूर यहाँ से गाइस, तो नो प्रॉब्लम। और ये कोई एर्नाकुलम टाउन को हम लोग स्किप करने वाला है गाइस। एर्नाकुलम टाउन मेन लाइन से हम लोग एर्नाकुलम टाउन स्टेशन को मेन लाइन से स्किप करेंगे। सो लेट्स डू दिस। और हम लोग डोर व्यू में चले जाएंगे, ताकि हमें नज़ारा अच्छे से दिखे। आयो गाइस, देखते ही देखते हम लोग लगभग 42 के स्पीड से हम लोग हमारा एर्नाकुलम टाउन स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। काफ़ी करीब करीब स्टेशन है आई थिंक। अनाउंसमेंट को काफ़ी बढ़िया बनाया गया है यहाँ पे। नाइस, क्या बात है। सिकंदराबाद तक जाने वाली शबरी एक्सप्रेस।
वाओ कार है गाइस, ब्यूटीफुल कार, यू कैन सी दिस। फोन के ब्राइटनेस को या फिर पीसी के ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा के देखना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज नाइट का जर्नी है तो थोड़ा सा डार्क होता ही है, जो होना भी चाहिए। लेकिन ये स्टेशन पे लाइट क्यों नहीं जल रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जरूर है। 60 का स्पीड लिमिट मिल गया, धीरे धीरे स्पीड लिमिट इंक्रीज हो रहा है, तो चलिए हम लोग 60 के रफ्तार से अभी जा सकते हैं। ऑल गुड। चलो एर्नाकुलम टाउन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेशन बोर्ड पे, एर्नाकुलम टाउन स्टेशन को हम लोग यहाँ पे स्किप कर चुके हैं। ब्यूटीफुल, वाओ गाइस, एक रियल फीलिंग होता है। अगर मैं आप लोगों को पैसेंजर्स व्यू पे बैठ के दिखाऊं तो ये थे हमारा पैसेंजर्स व्यू, जो बचपन में हम लोग ये स्लीपर कोचेस है, वैसे बाय द वे ये विंडो अगर हमें मिल जाए तो भाई हमें कुछ नहीं चाहिए था बचपन में। तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है भाई लोग, काफ़ी रियलिस्टिक है, लेकिन हम लोग रहेंगे डोर व्यू पे ही। शाहरुख सर का पोस्टर, और ये देखो गाइस यहाँ पे कोई ट्रेन हमें क्रॉस करता हो, कौन सा ट्रेन है ये, कराईकल से एर्नाकुलम जाने वाली टी गार्डन एक्सप्रेस है गाइस, WAP4 and ICF के साथ 16187 कराईकल से एर्नाकुलम जाने वाली टी गार्डन एक्सप्रेस यहाँ पे हमें क्रॉस करता हुआ गाइस। आज के जर्नी का पहला क्रॉसिंग है हमारा, और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस किया है भाई लोग, काफ़ी रियलिस्टिक, नाइस यार, मज़ा आ गया। और सामने हमारा 80 का स्पीड लिमिट भी आ रहा है, तो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ गाइस, यहाँ पे अल्लू अर्जुन सर का पोस्टर लगा हुआ है, पुष्पा 2 जो अभी रिलीज़ होने वाला है हाल ही में, टीजर भी आया है, तो भाई का बढ़िया लग रहा है भाई लोग। समद भाई ने पुष्पा 2 का भी डाला है, चलो बढ़िया। और यहाँ पे देख लो आप लोग कार्फ, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल कार्फ लग रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा चढ़ाई भी है मेरे को लग रहा है, ब्यूटीफुल गाइस, मस्ट वॉच। ओ वो 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 भाई अलगो का छुक 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 साउंड सुन रहे हो, क्या मस्त लग रहा है भाई लोग, क्या मस्त सुनाई दे रहा है साउंड्स। साउंड्स के बारे में कोई कॉम्प्लेन नहीं होगा भाई लोग, क्योंकि इतना बढ़िया साउंड है कि पूछो ही मत। भाई साहब देख लो भाई लोग, और एडापल्ली स्टेशन मेन लाइन स्टेशन को हम लोग थोड़ी देर में स्किप करने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। चलो गाइस हम लोग यहाँ पे कोई कालामासारी स्टेशन में स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम लोग, हमारा ज़्यादातर स्पीड नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार स्पीड है। और ऊपर देख लो गाइस यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, तो काफ़ी रियलिस्टिक है गाइस, ऊपर से बसेस जा रहा है, ट्रक्स जा रहा है, नीचे से हमारा लाइन, ओह माय गॉड ब्यूटीफुल गाइस, क्या बढ़िया तीनों के तीनों ओवरब्रिज डिज़ाइन किया गया है गाइस रोड व्हीकल्स के लिए। तो चलिए इस वाले पार्ट को हम लोग देख लेंगे, हमारा स्किपिंग जो है हमारा देख लेंगे हम लोग स्टेशन से गाइस, तो लेट्स सेट इट आउट एयर। और यहाँ पे हम लोग विराजमान हो जाते हैं हमारे ट्रेन का स्किपिंग स्टेशन से देखते हैं गाइस, जो हम लोग हमेशा देखते हैं शॉर्ट्स के क्लिप्स निकालने के लिए भी, और ऐसे भी हम लोग देखते रहते हैं। तो चलिए फुल हॉन्किंग के साथ स्किपिंग देख लेते हैं यहाँ पे। वाओ, और यहाँ पे देखिए गाइस कितना ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब वो जो इंसेक्ट्स है जो रात में सुनाई देता है जिसका साउंड्स, तो वही भी सुनाई दे रहा है हमें। और यहाँ पे हमारे फुल अभी हमें स्पीड मिल गया है, तो फुल 60 किलोमीटर पर आवर, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाइस हमारा एर्नाकुलम पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे फुल ऑंकिंग के साथ 22149 एर्नाकुलम पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस एल्को एंड ICF के अवतर में लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कालामेश्वरी स्टेशन को स्किप करता होगा ये लोग। एंड ऑसम ट्रैक साउंड ऑफ ICF कोचेस, यू कैन सी दिस, एब्सोल्युटली ऑसम गाइस, एब्सोल्युटली गॉर्जियस ट्रैक साउंड, वाओ। चलिए हम लोग लास्ट वाले कोच में रह जाते हैं, वाह गाइस देख लो, जैसे हम लोग मान लीजिए रियल कोई स्टेशन को स्किप कर रहे हैं एकदम डोर व्यू में खड़े रह के, और ऐसा ही बिल्कुल हमें देखने को मिलता है, हम लोग रियल लाइफ स्किपिंग करते हैं, वाह साहब क्या बात है गाइस। और यहाँ पे क्या पोस्टर है, लेट्स डेवलप आवर लीव्स और विदाउट ड्रग्स, नाइस यार, रेसिज्म के अगेंस्ट हमारे पोस्टर लगाया गया है,
चलो भाई, तो भाई लोग आज के लिए पार्ट वन पे हम लोग यहीं पे रखते हैं, बिकॉज 60 किलोमीटर दूर है हम लोग त्रिशूर से, और पार्ट टू में हम लोग थ्रिशूर पे पहुंचेंगे। थ्रिशूर पे आई थिंक हमारा ओवरटेक मिलेगा देखने को, वो भी देखेंगे। थ्रिशूर एंट्री करेंगे, थ्रिशूर पे ओवरटेक अगर हुआ तो वो देखेंगे, और थ्रिशूर से सोनारूर की तरफ जो आगे का जर्नी है टुवर्ड्स सोनारूर वो भी करने की कोशिश करेंगे, और सोनारूर पहुँच के हम लोग पार्ट टू कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो लेट्स गो, और यहाँ पे देखते देखते कोई एक ट्रेन का क्रॉसिंग आ जाता है गाइस, तो ये ट्रेन का क्रॉसिंग हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यार ये कोई फ्राइट ट्रेन रखना है मेरे को, BCNA फ्राइट ट्रेन गाइस, ये भी अल्को के साथ जा रहा है, काफ़ी बढ़िया है गाइस, BCNA फ्राइट टेक्स, और काफ़ी लंबा लग रहा है मेरे को। यस काफ़ी लंबा है, फ्राइट ट्रेन ज़्यादातर लंबे होते हैं, और लास्ट में कबू से भी लगा हुआ है गाइस, तो ब्यूटीफुल। एंड तो चले भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग जो क्या हमारे चैनल पे नए हो या फिर पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर नए सब्सक्राइबर हो तो हमारे चैनल को चेकआउट कर लेना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियोस डालते रहते हैं, ऑफलाइन वीडियोस डालते रहते हैं, तो डेफिनेटली चेकआउट करो। अभी थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम कम हो रहा है एंड वीडियोस मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो चेक कर लेना एक बार। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो उनको तो मुझे कुछ कहना नहीं है भाई, ड्रॉप ए लाइक कमेंट, एंड जो लोग नए हो पुराने हो सबको बोल रहा हूँ कि जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से, उन लोगों को सजेस्ट करो, शेयर करो, ताकि हमारा चैनल उन लोगों की तक भी पहुँचे, और सब लोगों को पता हो कि यूनिक गेमर नाम का कोई एक सिमुलेशन एंड नॉन सिमुलेशन गेमिंग चैनल है। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको यूनिक गेमिंग कंटेंट हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो ट्रेन सिमुलेटर, बस सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रैक सिमुलेटर, या फिर नॉन सिमुलेटर गेम्स भी हो। तो नॉन सिमुलेटर गेम्स में हमने हाल ही में हॉगवर्ट्स लेगेसी का वीडियो डाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा मैं हमारे प्लेलिस्ट का, और ट्रेन सिमुलेटर क्लासिक जो अभी खेल रहे हैं हम लोग रिलॉस, उसका भी उसका प्लेलिस्ट का भी नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर चेकआउट करना। तो चलो भाई लोग, पार्ट वन में एंड ओपी वाला चुम्मी सब लोगों को, एंड पार्ट टू में हम लोग मिलते हैं जल्दी इस ट्रेन का, और मैं MSTS का एंड बाकी सारे गेम्स का भी ऑफलाइन वीडियोस पैरेलली डाला करूँगा। सो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, नीचे हमारा डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, अगर मुझे कुछ सजेशन देना है या फिर मुझे कनेक्ट करना है तो आप लोग मेरे को डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो चलो भाई लोग, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सायोनारा गाइस।